नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं मयंक। और वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ी दुविधा यहां पर फंस गई है। अब ये दुविधा ये है कि न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन अभी तक 100% फिट नहीं हुए। अब स्क्वाड भी न्यूजीलैंड को जल्द से जल्द अनाउंस करनी है, जो प्रोविजनल स्क्वाड होगी। और अगर केन विलियमसन उपलब्ध नहीं होते हैं तो बहुत बड़ी दुविधा है न्यूजीलैंड की टीम के लिए, क्योंकि केन विलियमसन हम सभी को पता है न्यूजीलैंड के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है और 2019 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और उनकी ही कप्तानी में टीम जो है फाइनल्स तक पहुंची थी। यही नहीं 2021 के WTC फाइनल में भी जीत की जो वजह थी वो केन विलियमसन की पारी थी। दूसरे इनिंग्स में जो उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत शानदार बिल्कुल टिककर पारी खेली थी, उसके अलावा 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी टीम को फाइनल्स तक पहुंचाया था केन विलियमसन ने अपनी कप्तानी के दम पर, और 2022 के भी T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स तक गए थे। तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसने साल दर साल न्यूजीलैंड के क्रिकेट स्तर को ऊंचा किया है, अब वही खिलाड़ी अगर उपलब्ध ना हो वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में तो दिक्कत तो होगी। लेकिन अभी भी उम्मीदें बहुत है क्योंकि केन विलियमसन के पास आखिरी 2 हफ्ते हैं। जी हाँ, 2 हफ्तों का समय मिला है केन विलियमसन को अपने आप को 100% फिट प्रूव करने के लिए। अगर 2 हफ्तों में केन विलियमसन अपने आप को 100% मैच फिट कर लेते हैं तो वर्ल्ड कप की स्क्वाड में उनकी एंट्री हो जाएगी, और अगर नहीं तो फिर ये हो सकता है कि वर्ल्ड कप से केन विलियमसन बाहर हो जाए, जो कि न्यूजीलैंड की टीम कतई नहीं चाहेगी। हालांकि आपको बता दूं कि अगर केन विलियमसन वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में कप्तानी का भार जो है वो न्यूजीलैंड के विकेटकीपर और शानदार बल्लेबाज टॉम लैथम को सौंपी जाएगी। टॉम लैथम नजर आएंगे कप्तानी करते हुए वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन हम लोग भी जो न्यूजीलैंड क्रिकेट के थोड़े फैंस हैं और जो केन विलियमसन के फैंस हैं वो बिल्कुल यही चाहेंगे कि केन विलियमसन वापस आए, क्योंकि केन विलियमसन एक ऐसे खिलाड़ी है जो दुनिया में सभी उन्हें काफी पसंद करते हैं, खास करके उनके हम्बल नेचर की वजह से। बहुत ही डाउन टू अर्थ है। जब 2019 में फाइनल वो हारे भी थे उसके बाद भी मुस्कुरा रहे थे, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव वाइब लेकर आते हैं फील्ड पर। तो बिल्कुल हम सभी तो बिल्कुल यही कामना करेंगे कि केन विलियमसन जो है वो जल्द से जल्द 100% फिट हों और वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की मेजबानी करते हुए नजर आए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या आप न्यूजीलैंड के कप्तान को केन विलियमसन को वर्ल्ड कप में देखना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में केन विलियमसन फिट नहीं हो पाएंगे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।